रहा है। और मैं आपको बताऊं, मेरा मौजू कुछ और था, लेकिन हजरत मेरे जज्बात हैं, मेरे जज्ब, मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मैं अपने आका के लिए बोल रहा हूं। सुबह हशर चलेंगे शाही अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सलार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लपट कर दो दीवार के साथ। हज़रत इधर अब्बा फोत हो जाए तो जनाब लोगों को पड़ी होती है जल्दी जल्दी दफनाया जाए। ये अहमद भाई मुझे बता रहे थे, कहते हैं जब ये खबर फैली रात को ही गाड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, गुलाम अली मुस्तफ़ा जा रहे थे बाबे का जाके जनाजा पढ़ने। यही बात है, वजह क्या है हज़रत? वजह सिर्फ इतनी हज़रत है, उसने हुजूर से प्यार का हक अदा किया। खुदा जितना मर्जी इख्तलाफ हो हज़रत, जितना मर्जी इख्तलाफ करो है, इख्तलाफ की कोई हद होती है? लेकिन दोस्तों खुदा की कसम, उसने हमारे आने वाली नस्ल को हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए तैयार किया, नमूस रिसालत के लिए तैयार किया। ये मैं गुज़िश्ता दिनों तकरीर करके आ रहा, 11:30 बजे का टाइम, मैंने कोई तीसरा प्रोग्राम पढ़ना था, तो उस्मान भाई मेरे साथ है, अजर जवान मुंडे पेंटा शर्टा पाई दी है, जिन्होंने टोपी पाँवियाँ की शर्म आती है, वो जनाब मोटरसाइकिल चढ़ के लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कह हजरत माँ प्यो सारी ज़िंदगी समझा समझा के मर जाते हैं, सिद्धियाँ हो जाओ, लेकिन इनके अंदर से ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएँ निकल रही हैं, इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी हजरत, जिसका कनेक्शन मदीने वाले से हो, जब उसको सुना जाता है तो वो सुनने वालों का भी कनेक्शन मदीने वाले से जोड़ देता। वजह सिर्फ इतनी है। तो दोस्तों जिसने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला